अटेंशन प्लीज दोस्तों, आप अपना हमें 10 मिनट का कीमती टाइम दीजिए, क्योंकि मैं वो मैच लेकर के आया हूं दोस्तों आपके सामने जिसमें आपका जीत निश्चित है, बहुत ही निश्चित है। क्यों? क्योंकि भाई ये होता है इसमें ना कि इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है इन खिलाड़ियों के बारे में कौन क्या है क्या नहीं है। अगर आप सही से इस वीडियो को देखते हैं जानते हैं तो आपको पता चलेगा हाँ भाई कौन खिलाड़ी क्या है। बाकी देखिए भाई थोड़ा सा तकदीर का खेल है कि भाई लगे कि नहीं लगे जीत, मगर हाँ अगर जान करके हम कोशिश करके अगर टीम बनाते हैं अपना परफेक्ट टीम, अगर सही चल गई या तो अच्छा खासा रैंक आ सकता है। ठीक है, रैंक आएगा तो अपने पैसे अच्छे खासे मिल सकते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे यार, हमेशा देखिए लोग है ना सोचते हैं बस कि भाई 1 करोड़ वाला मैच ही खेलेंगे, बाकी हम 1 लाख 2 लाख 5 लाख वाला मैच नहीं खेलेंगे, जैसे कि 5 लाख पैकेट में लेके घूम रहे हैं ऐसा सोच रहता है बहुत सारे लोगों का। ठीक है, मगर अपना सोच ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या है कि जब अगर बड़ा निवाला हमको मुंह में डालना है, पचाना है पेट में भाई बड़ा निवाला, तो छोटे निवाले से ही अपने को वो आदत बनाना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे 20 रोटी खाने का आपके अंदर शौक है, जुनून है, जज्बा है, तो आपको भाई निवाला निवाला करके एक एक रोटी आधा रोटी करके बढ़ाना पड़ेगा हर दिन। आप एक ही दिन 20 रोटी नहीं खा सकते, अगर खा लिए जिस दिन 20 रोटी तो फिर नीचे ऊपर आगे पीछे चारों तरफ से निकलेगा, उसके बाद हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा सीधा। ठीक है, तो ये है लॉस का मामला इसमें, हॉस्पिटल जाने का मतलब लॉस। ठीक है, तो वो भी ग्रैंड लीग में बड़ा वाला भी यही चीज है कि भाई लॉसेस होती है उसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग खेलने आते हैं, आपको पता है ना 60 लाख लोग, 1 करोड़ लोग खेलने आते हैं उसमें, उसमें कंपटीशन इसमें कंपटीशन करना दोनों में बहुत फर्क फर्क हो जाता है मेरे हिसाब से, जहां तक हम जहां समझते हैं, बाकी आपका नजरिया जो भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को बिना देर किए जो बातें मेरे को समझाना था समझ में आ गया होगा, जो समझदार होंगे जो ना समझदार होंगे तो भाई उनका तो कितनों समझा दीजिए पूरा बोर्ड भर देंगे लिख करके फिर भी नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर, देखिए प्रेटोरिया वर्सेस पारल के बीच दोस्तों ये मैच होने वाला है। इसका मैं एक एक खिलाड़ी का एनालिसिस, सीबीसी, पिच रिपोर्ट सब कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, बस ध्यान से सुनिए और समझिए और इसके हिसाब से अपना टीम बनाइए। बाकी अगर टीम में कोई डिस्टर्ब हो ना समझ में आया हो तो भाई हम टेलीग्राम पे अपना फ्री टीम भी देते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से आप मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हैं। अब मेरे ही टेलीग्राम पे आइएगा वहां से बस, और कहीं सर्च उच करके मत जाइएगा, तो फिर पैसे मांगेंगे नाम पे हमसे, अब आप मेरे कमेंट में लिखेंगे भैया आप पैसे ले लिए हमसे, तो ये बहुत बुरी चीज है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ साफ साफ कि मेरे नाम पे आपको एक पैसे कहीं किसी को देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं भी हम एक पैसा नहीं लेते किसी से भी। ओके, तो देखिए अगर बात करें भाई तो पीआरई वर्सेस पीआरएल, इन दोनों टीमों का नाम रहेगा शॉर्ट नाम, जो कि हर फैंटेसी एप्लीकेशन पे आपको ये दिखाई देगा, इसी को नाम पे आप क्लिक करके टीम अपना बनाएंगे। ठीक है, अगर मैच की बात करते 30वां मैच है दोस्तों, ये डेट की बात करें दोस्तों देखिए 7 फरवरी 2023 को ये मैच खेला जाएगा, और टाइम की बात करें तो 9 PM मतलब कि मंगलवार के रात में ये दोस्तों मैच खेला जाएगा 9 बजे रात में। ओके, समझ में आया यहां तक ना, चलिए आगे बढ़ेगा। वेन्यू की तो सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन साउथ अफ्रीका में दोस्तों ये मैच होने वाला है, साउथ अफ्रीका के पिच रहेगी। अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए यहां पर दोस्तों, तो पिच बैटिंग के लिए काफी अच्छा है, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना सही फैसला होगा दोस्तों। अभी के रिकॉर्ड के हिसाब से जो पिछले मैच हुए उसके हिसाब से ये टॉस जीत करके बैटिंग करना अच्छा फैसला होगा ये माना जा रहा है। ठीक है, और टीम हालांकि करेगी भी मेरे हिसाब से यही, बाकी तो कल टीम के हाथ में फैसला है क्या करती है क्या नहीं करती है, बाकी आप हमें कमेंट करके बताएंगे कल टीम क्या करना चाहेगा। जरूर जितने लोग देख रहे हैं सभी को मैं बोलना चाहूंगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, ये आपका मतलब दायित्व तो कह सकते हैं कर्तव्य, देखते हैं अपने कर्तव्य कितने लोग निभाते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर अगर आगे बढ़े वेदर रिपोर्ट, तो बादल छाए रहेंगे, बारिश की 25% दोस्तों संभावना है। ओके, यहां पर फिर आगे अगर बढ़े हम तो लास्ट 5 मैच में इस पिच पर बॉलर का क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या क्या बॉलर कौन कौन कितना क्या क्या, देखिए आरएएफ से 15 विकेट है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आरएएफएम से 22 है, RAM से 9 है, LAFM से 18 है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रही है, चारों चीज को आप नोटिस कर लीजिए कि आपको बॉलर कैसे लेना है, इसमें किसका ज्यादा विकेट जा रहा है। ठीक है, अगर वेन्यू स्कोरिंग स्टेटस की बात किया जाए यहां पर, तो देखिए स्कोरिंग यहां पर क्या हुआ, देखिए सब कुछ तो बता रहे हैं भाई, बॉलर कौन है, पिच रिपोर्ट क्या है, स्कोरिंग स्टेटस क्या है, यहां पर कौन कौन बैट्समैन क्या है, अभी सब आगे बताएंगे। तो बचा क्या इसमें, अगर समझ के हम लोग टीम बनाते हैं और वो बैट्समैन अगर चल जाता तो विनिंग तो भाई निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, मगर यही बात है, टीम बनाना अपने हाथ में, हमेशा बोलते हैं आप लोग को हम, मगर टीम को चलाना अपने हाथ में नहीं है सर। अगर मान लीजिए कोई बैट्समैन को हम ले रहे हैं और वो कल 0 पे आउट है तो क्या कर सकते हैं उसको, अपने को तो पता नहीं है, किसी को नहीं पता होता ना भैया, ना आप है ना हम है ना कोई है, किसी को नहीं पता। मगर हाँ एक अंदाज से बनाते हैं हम कि भाई पिछला मैच में ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, इसका स्टेटस ऐसा, इसका रिकॉर्ड ऐसा, उसके हिसाब से हम टीम बनाते हैं। ठीक है, तो टीम बनाना अपने हाथ में है, टीम चलाना अपने हाथ में नहीं है, चाहे कुछ भी कोई कह दे आकर के, चमड़े के जवान है, बोलने को सब आजाद है, यहाँ पर इंडिया है भैया अपना। ठीक है, मगर सच्चाई यही है कि नहीं है ये। ठीक है, वो आपको लेना पड़ेगा अपने हिसाब से, मगर चलाने के कोई आपके अंदर वो नहीं है, ताकत नहीं है, पावर नहीं है ना हमारे ना आपके अंदर। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें वेन्यू स्कोरिंग स्टेटस का, तो देखिए
टोटल मैच 10 हुआ है, बैटिंग फर्स्ट 1 किया जो है कि 8 किया है, बॉलिंग फर्स्ट 2 किया। इस हिसाब से आदमी बता रहा है कि भाई पिच जो है बैटिंग पिच है, ठीक है, यहाँ पर बैट्समैन चलने वाले यहाँ पर इसको देख करके। तो कल के हम लोग मैच जो टीम बनाएंगे हम लोग जो मतलब अभी मैं वीडियो में बता दे रहा हूँ, बाकी तो मैं टीम बनाऊंगा जो टेलीग्राम पे आपको दूंगा ही, कैसा टीम अपना देखिएगा उसको, ठीक है। तो इसमें टीम अपना जो रहेगा बैटिंग की तरफ ज्यादा चलेंगे, क्योंकि बॉलर को जो बॉलिंग फर्स्ट वाला है ना वो बहुत कम ही जीते हैं, ठीक है। तो बैटिंग जो करने आता है ना उसके खिलाड़ी अच्छे खासे लेके चलेंगे हम लोग कल के मैच में, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की, तो 168 जाता है, टू एंड इनिंग एवरेज स्कोर 139 तक ही पहुंच पाता है, दूसरा इनिंग जब करने आता था। एवरेज स्कोर की मैं बात कर रहा हूं, मतलब कि हमेशा फर्स्ट इनिंग जो है ना हमेशा ज्यादा बना के गया है, टू एंड इनिंग उतना नहीं बना पाया, एवरेज ही है, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट टोटल की अगर बात करें यहाँ पर, तो 241 पे 6 है, लोएस्ट टोटल 100 पे 10 है, मतलब कितना भी हुआ है ना, कितना भी हुआ T20 में, 100 रन बन गया, तो 100 रन भी T20 में कम नहीं होता 10 विकेट पे, ठीक है। तो इससे भी समझ में आता है कि बॉलर को यहाँ पर कितने विकेट मिल रहे हैं, समझ में आ रहा ना भाई, समझ में आता है। लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करिए फट से यार जल्दी, क्योंकि अभी हम हल्का मचाने वाले कर सकते हैं यूट्यूब की दुनिया में पूरा एकदम, क्या ही बोलू, जब देखेंगे जब आएगा तो सामने दिखाई देगा आपको, ठीक है, जो होगा सामने निकल के आएगा सब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो हाईएस्ट चेज की अगर बात करें 189 पे 4 है, और लोवेस्ट डिफेंड की बात करें 126 पे 5 है दोस्तों, ठीक है। तो ये बड़ा अहम चीज होता है, जो भी हमने बताया आपको यहाँ पर पिच रिपोर्ट बताया, तीनों का तीनों अहम चीज है, अगर तीनों को जो ध्यान समझता है, इसको लिखता है, समझता है, पढ़ता है, तो उसके हिसाब से टीम एक अच्छा क्रिएट कर सकता है, इसमें कोई उसको रोक नहीं सकता। अब बिना समझे कहे भाई आए फट से फैंटेसी एप्लीकेशन खोले, किट 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 बटन दबा दिए, हो गया, ये कोई मतलब नहीं बना भाई, ठीक है। उसको बोलता तुक्काबाजी, तो तुक्काबाजी कब तक चलेगा फिक्स करना पड़ेगा अपने को, यही एक्सपीरियंस है भाई साहब, इसको आप लोग धीरे धीरे करते जाएंगे अपने हिसाब से टीम बनाएंगे करेंगे, तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका, एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मैटर करता है किसी भी काम में, इतना जान लीजिएगा, चाहे कोई भी काम हो एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए। एक किताबी ज्ञान और एक प्रैक्टिकल ज्ञान में बहुत अंतर है मेरे भाई, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकल चीजें आपको करेंगे तब, टीम खुद से बनाएंगे तब, दूसरे का असर आपको उतना बैठने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम ये नहीं बोलते कि आप टेलीग्राम को दूसरे के ज्वाइन मत करिए, करिए उसका भी करिए, हमारा भी सबका करिए, मगर टीम को देखने के लिए उसमें एक आध खिलाड़ी या अपना टीम जो बनाए उससे मतलब एक आइडिया लीजिए कि आखिर ये है क्या चीज, कैसे ये बना के दिया, हम कैसे बनाए, इसके लिए आप ले सकते हैं आइडिया। ना तो बाकी कुछ लोग कैसे करते हैं ना, बस जो टेलीग्राम पर टीम मिला उठाओ कॉपी करो लगा रहे, ये चीज सही नहीं है भाई, फिर आप कर क्या रहे हैं, जब दूसरे के सब चीज पे चल रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता। इसलिए आपका भी उसमें क्रिएटिविटी कुछ होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये, ठीक है, करके जाइए, लगे कि हाँ आपने कुछ किया है मेरे भाई, ऐसा होना चाहिए अंदर से, ये नहीं कि बस हार गए तब पर यार हम का कहते कुछ नहीं, जीते तब पर यार हमारा क्या चीज है, ये नहीं होना चाहिए, अपना भी कुछ होना चाहिए। एक आध दो खिलाड़ी जैसे मान लीजिए हम दिए पूरा 11 CBC बना के ही दिए, उसमें से CBC भी अब कम से कम चेंज करें, या एक आध खिलाड़ी चेंज करें उसमें से, तो मगर ये भी कुछ लोग नहीं करते, ये सब बहुत गलत बात है मेरे भाई, क्योंकि सब लोग एक टीम को कॉपी करके चलेंगे तो जीत निश्चित नहीं है मेरे भाई, हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है। इसलिए ट्राई करिए कि भाई अपने से थोड़ा टीम बनाए, मेहनत करें थोड़ा सा, तभी जाके काम बनेगा। देखिए अगर लास्ट 5 मैच की बात किया जाए तो PRE 2 बार वन किया है, PRL 3 बार वन किया है लास्ट 5 मैच में, ठीक है। रिसेंट अगर रिसेंट की बात करें यहां पर, तो रिसेंट मैच में PRE का विन विन लॉस विन विन, ठीक है, देखिए यहां पर है ना, और PRL का अगर बात करें तो नो रिजल्ट है, विन है, लॉस है, लॉस है, लॉस है, ठीक है। तो लॉस और विन तो भाई होता रहता है, अगर क्रिकेट है तो एक को जीतना एक को हारना निश्चित तय है, तो भाई इसमें क्या कर सकता है, अपना क्या जाएगा इसमें, अपना क्या, जो अगर हारा जिस टीम का हम लेके चले जाता है उसमें से हमारा पैसा डूब जाएगा अगर वो हारता है तब, ठीक है। उसके लिए क्या है हमारे पास एक तरीका है दोस्तों, बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छा शानदार एप्लीकेशन, मैं आपके भाई के नाते मैं बता रहा हूँ, भाई होने के नाते कि भाई ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, मैं बोलता हूँ हमेशा कि छोटा है तो मेरा ऑर्डर मारिए इसको, आप डाउनलोड कीजिए, अगर बड़े हैं तो मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही करूंगा कि आप इसको डाउनलोड कीजिए, इसमें खेलिए आप, क्योंकि एक ऐसा फैंटेसी एप्लीकेशन जिसमें बहुत सारे रिवॉर्ड तो क्या क्या बहुत सारी चीजें मिलती है दोस्तों, इसमें आप जब डिपॉजिट करते हैं तो उसमें भी आपको छूट मिलता है, बहुत सारी चीजें आप प्लस में, ये देखिए इसमें हर बार आपको हर 3 दिन 2 दिन पे आपको मैच मिल जाएगा फ्री रोल का, देखिए यहाँ पर है ना फ्री रोल, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो देख सकते हैं आपको 0 रुपए में, कोई आपको पैसा नहीं लगने वाला, देखिए यहाँ पर 0 रुपए में आपको यहाँ पर ये मैच में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इसमें जुड़ के भी दिखाता हूँ, देखिए आपके सामने मैं कर रहा हूँ हर चीजें, कोई मेरे से छुपा उपा कुछ नहीं रहता, ठीक है। देखिए अगर क्रिएट टीम पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर दिया होगा नीचे में, देखिए यहाँ पर है ना, ये अगर नीचे में किया इस पे, देखिए इस पे करूंगा मैं क्लिक, उसके बाद यहाँ पर खटखट एक टीम बनाऊंगा, देखिए ये ज्वाइन 0 रुपए में, ओके, देखिए सब कुछ ये देखिए ऐसे ऐसे करके हम दबा कर उंगली अपना टीम बना रहे हैं अभी, तो मतलब ऐसे ही वीडियो सामने आपके दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, बाकी हम इसमें टीम अभी बनाएंगे, ओके।
समझेंगे इसमें टीम में किसको लेना है किसको छोड़ना है। ठीक है, देखिए तो आपके सामने मैं टीम बना लिया, यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया, यहाँ पर सीबीसी मान लीजिए अभी किसी को ले लिया यहाँ पर, उसके बाद क्रिएट करके यहाँ पर देखिए 0 रुपए लिखा है ना साफ साफ, देखिए यहाँ पर 0। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिए, ये हमारा 0 रुपए में टीम ज्वाइन हो गया, देख सकते हैं ज्वाइन लीग हो गया। यहाँ पर आप एक टीम एक लीग दे देख सकते हैं। तो ये एक बल्लेबाजी का बेहतरीन फंक्शन है, आपको कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं देने वाला। ठीक है, तो मैं कहता हूं भाई उधर भी खेलिए इधर भी आके खेलिए, इधर से आपके लॉसेस जो कवर होते जाएंगे, जो आप हारते हैं ना बोलते हैं भाई के जाके सारे एक वीडियो में यूट्यूबरों का कि भाई मेरा लॉस कवर करवा दो, कवर कोई नहीं कवर करवाएगा, हम हमेशा बोले चाहिए कोई आपको 1 रुपए नहीं देने वाला है, बस इतना जान लीजिए। आप जो करेंगे अपने जिंदगी का मालिक, अपना मालिक आप खुद है, कोई नहीं आपका। ठीक है, इसलिए आपको ये सब चीजें जो है इसमें लॉस कवर, जैसे 1 रुपया का यही लीग है देखिए, इसमें 1000 का है, इसको भी आप खेल सकते हैं, इसमें बहुत सारे लीगे हैं। प्लस में आपको यहाँ पर दिखाई देगा देखिए प्रिडक्टर कैसे प्रिडक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट इनिंग हो गया दूसरा इनिंग देख के आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, इसमें पूछेगा उस पर क्लिक करेंगे आप तो उसको लगा दीजिए आप। तो इसे ऑप्शन है मेरे भाई कमाने के लिए, कमाने का जरिया यही है, दुनिया ही है कमाने का जरिया, अगर यहाँ नहीं कमा पा रहे तो क्या ऊपर जाकर कमाएंगे, कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये सब हाथ पैर मारना पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा मेहनत, बिना मेहनत किए नहीं कुछ होने वाला है भाई। ठीक है, तो मेरा बात को मानिए, नीचे लिंक है डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, प्लस में इसे 50 रुपए डाउनलोड करने का आपको फ्री बोनस भी मिल जाएगा, एक गुरुजी अगर डाल दिए तब कोड, तो क्या चाहिए आपको बताइए, हम क्या देश दे सकते हैं आपको, यहां से हम सब कुछ तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, टीम जिताने का व्यवस्था कर रहे हैं, हर चीज मेहनत कर रहे हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाकर दे रहे हैं, प्लस में आपको एप्लीकेशन भी बता रहे हैं कि भाई इससे आप कवर कर सकते हैं, हर कुछ तो व्यवस्था है भाई। अब लोग सोचते हैं कि हम आज के लिए हम आज ही ग्रैंड लीग जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है मेरे भाई, आपको 6 महीना साल भर भी लग सकता है, तो उसके लिए क्या बैकअप पीस होना चाहिए आपके पास, ये नहीं कि बस लॉस गवार है तो गवार है, पैसा गवार है तो गवार है, और रिस्क लेंगे तो पैसा जाना ही जाना भाई, कोई भी टीम बनाएंगे रिस्क लेके चलेंगे आप तो पैसा जाना ही जाना, बिना रिस्क की टीम आपको ग्रैंड लीग जिता नहीं सकती है, ये सब बैकअप करने का यही तरीका है ना, दिल से मैं बात कर रहा हूं, देखिए कोई प्रमोशन कर रहा हूं चाहे ऐसा वैसा कुछ ये नहीं है, जो मतलब कि एक दुनियावी बात मैं हकीकतें बात आपको बता रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है देखिए। ठीक है, अगर करते तो ठीक है, नहीं तो फिर भी ठीक है, हमको क्या दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप आते हैं मेन टॉपिक पर, आई होप कि बात मेरा समझ में आ गया जो मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, कर लेंगे तो आप ही के लिए बेहतर है, नहीं करेंगे तो हमारा क्या लेके जाएंगे खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे ठीक है, हमारा कुछ नहीं डूबने वाला भाई साहब। ओके, चलिए यहाँ पर अगर बात करें दोनों टीमों का प्लेइंग 11 मैं आपको बताऊं, देख सकते हैं ये प्लेइंग 11 है, इसको मैं पारा-पारी नाम लेता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हालांकि नाम तो उतना टेढ़ा मढ़ा है कि लेने में थोड़ा दिक्कत होगा, मगर फिर भी लेंगे आपके लिए सर। ठीक है, बाकी आप स्क्रीनशॉट भी मार के रख लीजिएगा। ओके, जो नाम लेने में हमसे प्रॉब्लम हुआ होगा ओके, देखिए यहाँ पर अगर प्रिटोरिया से PRE प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए दोस्तों, तो देखिए कुशल मेंडिस रहेंगे विकेट कीपर, दूसरे से फिलिप सॉल्ट रहेंगे विकेट कीपर, तीसरे में थियोनिस डी ब्रियान रहेंगे यहाँ पर, और चौथे नंबर पर रिले रेशो, पांचवे नंबर पर कोलिन इंग्राम, ठीक है, और छठे नंबर पर जेमी निसम, सातवें नंबर पर सेंडोन मेथुनसी, ठीक है, और यहाँ पर आठवें नंबर पर मेगिल पेटरिस, क्या क्या नाम है बड़ा डेंजर, हम जब लिखा लो डिटेल तभी मेरे को लगा था कि इसे बहुत खतरनाक नाम, हमसे नहीं हो पाएगा, मगर फिर भी आपको मोहब्बत है कि बस हो जाता है, चलो भाई उसी में घिस तरह काम चलाते हैं ओके, नौवें नंबर पर अगर बात करें तो इथन बोस, और दसवें नंबर की बात करें ड्रियन डुप्लेवेन, और ग्यारहवें नंबर पर जासुआ लिटिल, ठीक है, तो यह बड़ा मुश्किल से नाम लिया गया, ये सब कुछ प्लेइंग 11 है दोस्तों PRE के। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसा करके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से, जो कि नाम आप भूल जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, वो आप जब टीम बनाएंगे तो उसमें देख करके आप बना सकते हैं। अगर PRL प्लेइंग 11 की अगर बात की करें दोस्तों, देखिए जोसन रॉय है इसमें, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जोस बटलर है विकेट कीपर, बड़ा खतरनाक बटलर बैट्समैन है भाई ठीक है, तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो वेन लोबे है, चौथे नंबर पर डेन विलेज है विलस विकेट कीपर है, पांचवें नंबर पर डेविड मिलर कैप्टन है, छठवें नंबर पर इवेन जोनस, सातवें नंबर की बात करते मिचेल एवन बुरेन है, आठवें नंबर पर आंद्रे एंडली फुलकावे, क्या क्या नाम है यार, फुलकावे लुलकावे सब कसब आ जा रहा है इसी में यार ठीक है, नवे नंबर पे बजरन बजरन फॉर्च्यून है, और दसवें नंबर पे लुंगी नगड़ी, ग्यारहवें नंबर पे तबरीज सामी, ठीक है, तबरेज सामी यहाँ पर 11वें नंबर पे है, तो कुछ ये तो दोस्तों प्लेइंग 11 है, इसको भी ऐसे फिर से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जो कि बेहतर रहेगा, क्योंकि हमको पता है हम नाम उस हिसाब से नहीं ले पाए, क्योंकि उस हिसाब से जवान नहीं पलटी किया अपना। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी यार, क्या कर सकते हैं, जो है
कम से कम कोशिश तो की, अपना पूरा 100% दिया लेने का, ठीक है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, नाम में क्या रखा समझ में आना चाहिए लोगों को, क्या है क्या नहीं है। बाकी स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं, नाम लिखा हुआ तो कम से कम सही है ना। ओके तो आगे चलिए बात करिए स्मॉल लीग मस्ट पिक का, जो कि स्मॉल लीग में आपके बेहतरीन पिक हो सकते हैं। क्या है? पी आर ई से जिम्मी निसम और इथन बोज, ठीक है। आपको स्मॉल लीग में ये बेस्ट पिक हो सकते हैं आपके, ठीक है। पी आर एल से अगर बात करें तो बेजोरन फॉर्च्यून और जोस बटलर रहेंगे दोस्तों। ओके आगे अगर बात करें, देखिए यहाँ पर ग्रैंड लीग रिस्की पिक की अगर बात की, जो कि इन पर रिस्क आप ले सकते हैं, कोलिन इंग्राहम और ड्रेल डुप्लोबोन, ठीक है। और पी आर एल से अगर बात करें तो मिचेल वेन बुरन एंडली फुलकवी, ठीक है। ये कुछ खतरनाक नाम है, ये कुछ आपको रिस्की प्लेयर रह सकता है। जितना खतरनाक नाम है उतना रिस्क भी है इनके ऊपर, ठीक है। तो इनको आप लेके जाएंगे तो रिस्क रहेगा, अगर चले तो ठीक है, नहीं चले तो फिर गयो काम से, ये मामला है रिस्की में, ठीक है। अगर बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो देखिए यहाँ पर थेमस ट्यूनिस डी ब्रियान और फिलिप साल्ट, डेविड मिलर, इथन बोस, जोस बटलर, जिमी निसम, ये सब नाम थोड़ा ठीक था यार, जिमी निसम, बोस, बटलर, ये सब ठीक है। बाकी वो सब टड़ी मड़ी वाला आया था, मूड खराब हो गया था यार, ठीक है। तो ये कुछ सीबीसी आपके बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। बाकी ज्वाइन टेलीग्राम भैया, उस पर आपको टीम हमारा मिल जाएगा, जो भी अगर ना समझ में आया उसमें जो भी, तो उसको समझ करके ही हम अपना टीम आपको बना के देंगे। और ये भी एक खासियत है कि जिस टीम से हम खेलते हैं वो टीम आपको देते हैं, आप जाके मिला लीजिएगा। अगर नहीं मेरे को ड्रीम इलेवन भी फॉलो किया ना या कहीं फैंटेसी एप्लीकेशन पे, तो आप मेरे को फॉलो करिए, जो मेरे चैनल का नाम है वही हर जगह मेरा नाम मिलेगा आपको, ठीक है। उससे आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि जो टीम हम खेलते हैं उसको देते हैं कि नहीं। अगला कोई आपके साथ ऐसा नहीं करता होगा, कोई मेरे हिसाब से कोई नहीं होगा ऐसा, हम ही एक अकेला है जो आपको वही चीज़ देते हैं। तो अपना टीम कोई नहीं दिखाना चाहता है, अपने दोस्तों को नहीं देता है अपना टीम कोई, कि देख हम ये लगा रहे हैं, असल में एक तो चेंज करके देता है, और हमारे केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बस वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा, पसंद आया मेरे भाई दिल से बात करता हूँ जो भी है, ठीक है। बाकी हम बनावटी या आर्टिफिशियल बात नहीं करते हैं। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन भी कर दीजिएगा, और रही बात टेलीग्राम को तो उसको बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा टीम पाने के लिए। और भी सारे अपडेट जो भी होंगे भाई, पिच रिपोर्ट, ये सब जो भी उस टाइम का आता है, टॉस होने के बाद टॉस कौन जीता क्या हारा, सब आपको हम टेलीग्राम पर अपडेट करते हैं, बाकी और कहीं पर नहीं, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।